हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय चैनल विद अनुलेखा। आज मैं बनाने जा रही हूँ आपके सामने ढाबा स्टाइल शाही पनीर। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और ज़रूर करिएगा और कमेंट्स में मुझे बताइएगा। अब हम चलते हैं कि हमें शाही पनीर के लिए क्या किस किस चीज़ की हमें ज़रूरत होगी वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले हमें चाहिए पनीर। यहाँ पर मैंने 200 ग्राम पनीर लिया है, उसे क्यूब्स में काट के और पानी में, ठंडे पानी में नमक के साथ भिगो के रख दिया है ताकि हमारा पनीर सॉफ्टी सॉफ्टी हो, ठीक है, ओके। और थोड़े से पनीर मैंने यहाँ पर क्रश करके लिए रखे हैं ताकि मैं लास्ट में इसे पनीर की सब्जी के ऊपर डालूंगी, जिससे कि और अच्छा लगेगा। सेकंड है हमारे पास, ये हमारे पास है ज़ीरा, और जीरे के बाद हमारे पास है ये, मैंने ये लिया है अनियंस लिया, मैंने दो बड़े अनियंस ले लीजिए। इसके बाद मैंने ये हींग लिया है, हींग ऑप्शनल है, आपको ठीक लगे तो आप लीजिएगा, अदरवाइज को ऑप्शनल है छोड़ दीजिए। फिर इसके बाद मैंने लिया हरी मिर्च, एक बड़ी हरी मिर्च ली है, अदरक लिए हैं, उसके बाद मैंने लहसुन लिए। इन सबको मैंने मुझे एक पेस्ट में तैयार करना है। उसके बाद मैंने लिया है दो बड़े प्याज, जिसे मैंने दो चार चौकोन भाग में काट लिया है, एक शिमला मिर्च को भी मैंने ऐसे ही चौकोन में काट लिया है, और इसे हम पहले फ्राई करेंगे। इसके बाद मुझे चाहिए हरी धनिया, और यहाँ मैंने तड़के के लिए लिया है तेज पत्ता और दालचीनी के टुकड़े, और मैंने यहाँ तड़के के लिए और लाल मिर्च ली है, जो हम लास्ट में जब सब्जी तैयार हो जाएगी उसके बाद हम तड़का लगाएंगे। उसके बाद मेरे पास है ये पांच प्रकार के मसाले, हल्दी, मिर्च, धनिया, नमक और गरम मसाला। इसमें मुझे और चाहिए कस्तूरी मेथी। कस्तूरी मेथी से हमारे जो पनीर बनेगा उसका स्वाद बहुत अच्छा लगता है। इसके बाद मैंने लिया है पनीर मसाला। इसके बाद मैंने लिया है इसमें काजू और बादाम। इसमें काजू और बादाम ऑप्शनल है, आप चाहे तो डाल सकते हैं, नहीं चाहे तो नहीं डाल सकते, पर शाही पनीर में ये काजू बादाम बहुत अच्छा लगता है, तो इसका भी मैं पेस्ट बना लूँगी। इसके बाद मैंने लिए हैं, और मैंने यहाँ पर लिया है टमाटर। अब इनका मैं टमाटर का पेस्ट बना लूँगी। और कढ़ाई पर मैंने तेल ले लिया है। अब इसमें मैं सबसे पहले अपना ये जो है मेरे पास शिमला मिर्च और प्याज है, उसे मैं फ्राई करूँगी। इसे मैं फ्राई करूँगी वन बाय वन। पहले मैं प्याज को फ्राई करूँगी। ये प्याज फ्राई हो रहा है। रेडी हो गया है। अब ये जो बचा हुआ तेल है, इसमें मैं दो चम्मच घी डालूंगी। आप ये घी ऑप्शनल है, आप मक्खन भी ले सकते हैं, अगर मक्खन नहीं है तो आप ऑयल में भी इसे बना सकते हैं, ओके। अब मैंने ये जो दो तेज पत्ते लिए थे और ये दालचीनी के लिए थे मैंने, अब मैं इसे ऑयल में डाल दूंगी। यहाँ पर हमारा ये हो गया है। अब मैंने जो पेस्ट तैयार किया था, उस पेस्ट को मैं वन बाय वन इसमें डालूंगी। पहले मैं लहसुन, अदरक, प्याज और जीरा का पेस्ट को डालूंगी। तो हमें यहाँ पर प्याज को भूनना है ऐसे। इस प्याज वाले पेस्ट को हम अच्छे से सौटे करेंगे, जब तक इसमें से तेल नहीं छूट जाए और ये थोड़ा सा ब्राउन सा ना हो जाए, तब तक हमें इसे सौटे करते रहना है। देखिए फ्रेंड्स, हमारा हो चुका है प्याज वाला। अब हम इसमें हमारे जो ये जो टमाटर पेस्ट है वो हम ऐड कर देंगे, और इसे भी हम थोड़ी देर अच्छे से सौटे कर लेंगे। उसके बाद हम इसमें अपने पांचों मसाले हम ऐड करेंगे। अब फ्रेंड्स, मैं इसमें पांचों मसाले ऐड करूंगी। इस मसाले की क्वांटिटी आप आपके स्वाद के अकॉर्डिंग रख सकते हैं, और कि आपको कितना तीखा खाना है और कितना लाइट लेना है, ओके फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा हो गया है। अब हम इसमें गैस की फ्लेम को लो कर देंगे।
ये हमारा देखिए मसाला पूरा तैयार हो गया है। इसमें मैंने गरम मसाला बस नहीं डाला, बाकी मैंने चारों मसाले और नमक अपने अकॉर्डिंग डाल लिए। आप इसको अपने अकॉर्डिंग डालिएगा। अब मैं यहाँ पर डाल रही हूँ अपने पेस्ट, किसका, ये काजू और बादाम का पेस्ट डाल रही ऐड कर रही हूँ। देखिए मैंने काजू और बादाम का पेस्ट डाल दिया है यहाँ। अब मैं यहाँ पर डालूँगी हमारे फ्राई किए हुए ये हमारे शिमला मिर्च और प्याज, ये मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया है, ये ऐड हो गया है। अब मैं इसे थोड़ी देर पकाऊंगी, इसके बाद मैं इसमें अपने पनीर ऐड करूँगी। यहाँ देखिए मैंने जो प्याज और शिमला मिर्च ऐड किया था वो हो गया। अब मैं यहाँ पर लूँगी पनीर, ये पनीर जो पानी में मैंने भिगा के रखा था अब मैंने इसे छान लिया है, पानी को मैंने फेंक दिया है। अब यहाँ मैंने पनीर को ऐड कर दिया है, ये मेरे पनीर ऐड हो गए हैं। अब मैं इसमें डालूँगी पनीर मसाला, ये मैंने पनीर मसाला डाल दिया, ये आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। ये मैंने पनीर मसाला ऐड कर दिया है, ये देखिए यहाँ पर हमारा पनीर हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे कस्तूरी मेथी, ये थोड़ा सा डाल दिया मैंने। अब इसके बाद मैं इसमें डालूँगी हमारा कटा हुआ हरा धनिया जो फ्रेश है, मैंने इसमें हरा धनिया भी डाल दिया है। ये मैंने हरा धनिया डाल दिया है, अब इसे मैं अच्छे से मिक्स कर दूंगी। ये मैंने हींग लिया है, थोड़ा सा मैं हींग डालूंगी, इसे आप पहले भी डाल सकते हो या बाद में भी डाल सकते हो। और इसके बाद मैं इसे मिक्स कर दूंगी। मिक्स करने के बाद अब इसमें मैंने जो रखा हुआ था क्रश करके पनीर, वो पनीर में ऐड कर दूंगी मैंने। ये देखिए ये मैंने पनीर ऐड कर दिया है, वाह स्मेल, खुशबू बहुत अच्छी आ रही है इसकी, आप भी बनाइएगा अपने घर में तो ये इससे हमारे पनीर को और स्वादिष्ट कर देगा। और इसे मैं